वो जो आज हम बात करने वाले हैं पीएन डायोड जंक्शन रेक्टिफायर, पीएन जंक्शन डायोड रेक्टिफायर। क्या होता है रेक्टिफायर? रेक्टिफायर का मेन पर्पस होता है किसी भी एसी चीज को डीसी में बदलना, एसी चीज को क्या करना, डीसी में बदलना। अब पहली बात तो यार क्या होता है एसी, क्या होता है डीसी, पहले ये जान ले। डीसी मतलब होता है कांस्टेंट वोल्टेज, मतलब कांस्टेंट वोल्टेज कैसा हो, या तो वोल्टेज पूरा एकदम पॉजिटिव हो, हर टाइम में वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो। एसी है वो अल्टरनेटिंग, मतलब कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव। ये भी मेरा एसी है, दूसरा एसी क्या है, ये भी मेरा एसी है, यानी कि ये सारी एसी वोल्टेज है। तो हम जो रेक्टिफायर की बात करें, रेक्टिफायर का काम ही होता है कि एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करना। ऑब्वियस बात है कि एसी को डीसी में अगर वो कन्वर्ट कर रहा है तो दो चीज़ें हो सकती है, क्या क्या चीज़ें हो सकती है कि यार एक तो परफेक्ट एसी बना दे और एक परफेक्ट, या तो परफेक्ट डीसी बना दे, सॉरी परफेक्ट डीसी बना दे ऐसा, या फिर परफेक्ट डीसी ना बना पाए। तो जो अभी हम लोग बात करेंगे, एक्चुअली हम लोग परफेक्ट डीसी तो नहीं बना पाएंगे, बट अपन थोड़ा हमारा डीसी इम्परफेक्ट ही रहेगा, उसको अपन बाद में फिल्टर करके परफेक्ट बनाते हैं, जो कि तुम हायर क्लास में पढ़ते हो। तो अभी मेरा ये समझ के चलो कि अपना जो मेन क्या होता है एसी का, मेन क्या होता है एसी में, पॉजिटिव वैल्यू भी होती है निगेटिव वैल्यू भी होती है। डायोड क्या करता है, निगेटिव वैल्यू को गायब कर देता है, मतलब एक साइड की वैल्यू क्या कर देता है, गायब कर देता है, अपने पास सिर्फ ये वैल्यू बचती है। ये भी परफेक्ट डीसी नहीं है, बट इसको परफेक्ट डीसी बनाया जा सकता है बाय यूजिंग फिल्टर्स। इसमें बहुत सारे रिपल्स हैं, तो खैर उसको अपन बना सकते हैं, आगे अपन इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे कि इससे परफेक्ट डीसी कैसे बनाते हैं। बट मेरा मेन एम क्या है कि इस नीचे वाले कंपोनेंट को गायब करके अपन मोर और लेस ऐसा कुछ बनाते हैं, ठीक है। तो चलो अपन बात करते हैं कैसे काम करता है पीएन जंक्शन डायोड रेक्टिफायर। देखा जाए तो तीन तरह का रेक्टिफायर होता है। पहला क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव। दूसरा होता है फुल वेव, फुल वेव सेंटर टैप। और तीसरा होता है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। इतना सारा होता है, तीन पार्ट, तीन चीजें यहां पे होती है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। फुल वेव में भी दो तरह का, सेंटर टैप और ब्रिज। एक एक करके अपन सबकी बात करते हैं और एक एक करके अपन इसकी मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो हमारा आता है वो आता है हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या आता है, हाफ वेव रेक्टिफायर। ये क्या होता है समझना। अब हम क्या करते हैं, मान लो हमारे पास एक एसी सोर्स है, यहां पे ट्रांसफार्मर है जो कि वोल्टेज को चेंज करेगा, यहां पे हमने सप्लाई दे दिया, यहां हमने क्या किया, एक डायोड लगा दिया, एक डायोड लगा के उसको एक रेजिस्टेंस से जोड़ दिया जिसकी वैल्यू मान लो आर एल बोल दिया हमने। अब हमें जो आउटपुट मेजर करना है, ये मेरा इनपुट वोल्टेज है, ये मेरा क्या है, ये मेरा इनपुट वोल्टेज है जो कि यहां पर इसको मिलेगा, जो वोल्टेज यहां होगा वो इसको यहां पर मिलेगा। ये बहुत बार कंफ्यूज होता है कि सर ये क्या है, तो ये एक्चुअली में अपना ट्रांसफार्मर है जो कि इस वोल्टेज को यहां तक, अपन डायरेक्टली वोल्टेज सप्लाई नहीं कर रहे हैं, यूजिंग ट्रांसफार्मर दे रहे हैं। वैसा कुछ जानने की बात नहीं कि इसका यूज क्या आता है, ये अपने को उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब लोग सिंपल देना है कि अपना यहां इनपुट वोल्टेज कुछ हुआ और इनपुट वोल्टेज से हम क्या कर रहे हैं, इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा इसको मेजर करें, यानी कि ये जो वोल्टेज मेरा आने वाला है, दिस इज माय आउटपुट वोल्टेज वी नॉट, ये मेरा आउटपुट है, वो मेरा क्या है, इनपुट है। अपन कुछ ऐसा करने वाले हैं। अब देखो क्या हो रहा है, मान लो मैंने बोला ऊपर का पार्ट पॉजिटिव है, नीचे का पार्ट निगेटिव है। मान लो ऐसा बोला कि ऊपर का पार्ट पॉजिटिव है और नीचे का पार्ट क्या है, निगेटिव है। फर्स्ट साइकिल में क्या होगा, करेंट जो होगा, अब देखो डायोड है, डायोड इनपुट वोल्टेज कैसा होगा, तो इनपुट एसी है तो इनपुट वोल्टेज जो होगा वो कुछ होगा, मान लो वीएम साइन ओमेगा टी, इनपुट वोल्टेज कुछ होगा वीएम साइन ओमेगा टी, कुछ इनपुट ऐसा होगा वीएम साइन ओमेगा टी। अब मैंने बोला कि एक डायोड है, ऑब्वियस सी बात है मेरा जो वोल्टेज इनपुट है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज, यानी कि उसका एक फेज में पॉजिटिव वैल्यू, अगले हाफ पीरियड में निगेटिव वैल्यू, एक टाइम पीरियड का आधे में पॉजिटिव आधे में निगेटिव। तो ऑब्वियस सी बात, जो इनपुट है एक टाइम पीरियड मान लो ऊपर पॉजिटिव है नीचे निगेटिव है, मैंने बोला सपोज करो ये मेरा इनपुट वोल्टेज है, वी इनपुट कैसा है, साइनोसॉइडल, ये मेरा इनपुट वोल्टेज है। अब मैंने बोला इनपुट वोल्टेज को हमने सोचा कि चलो आउटपुट वोल्टेज में बदलते हैं, ठीक है, और ये टाइम हो गया, ये भी टाइम हो गया, हमने क्या सोचा कि चलो इसको आउटपुट वोल्टेज में बदलते हैं। इनपुट वोल्टेज को आउटपुट वोल्टेज में अपने को बदलना है, अपन यहां पर चाह रहे हैं ये अपन, ये आउटपुट है, ये इनपुट है। अब तुम एक बात सोचो, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, डायोड विल बिहेव एज अ फॉरवर्ड बायस,
करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो हुआ तो यहां पॉजिटिव यहां निगेटिव, यानी कि देखा जाए तो जो वोल्टेज यहां पर है, जो वोल्टेज यहां पे, मोर और लेस अगर मैं डायोड के रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मानूं, वैसे तो डायोड का थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होता है, बट अगर मैं मान लो कि डायोड के रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल लेके चल रहा हूं, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज और इसके अक्रॉस का वोल्टेज दोनों क्या होगा, सेम होगा, यानी कि जो यहां इनपुट हमने दिया है वही मेरा क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा, यानी कि इनपुट ऐसा है तो आउटपुट भी ऐसा होगा। एग्जैक्टली तो नहीं होता है, कुछ पार्ट यहाँ पे मिसिंग होती है, मिसिंग क्यों होती है, थोड़ा कम होता है क्योंकि इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो सेम तो नहीं होगा, बट हाँ सेम ऐसा ही कुछ होगा, आ रही बात समझ में। उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, अगले साइकिल में ये निगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, अगले साइकिल में ये निगेटिव हो गया और ये क्या हो गया, पॉजिटिव। अब जैसे ये निगेटिव हो गया तो डायोड कैसा हो गया, रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस में डायोड जो है वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस देता है, ऑब्वियसली बात है करंट फ्लो करने नहीं देगा, अगर करंट फ्लो नहीं करने देगा तो वी नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, वी नॉट की वैल्यू आ गई जीरो। फिर से अगले साइकिल में पॉजिटिव, इसीलिए इसका नाम है हाफ वेव रेक्टिफाइड, क्योंकि ये आधे पार्ट को गायब कर देता है, सिर्फ आधा पार्ट बचता है, बाकी के आधे पार्ट को ये गायब कर देता है। अब तुम गौर से देखो तो ये एक्चुअली देखा जाए तो ये मेरा पूरा डीसी नहीं है, दिस इज नॉट माय डीसी, बट इसको अपन परफेक्ट, क्योंकि इस डीसी में तुम देखो तो बहुत सारी इंप्योरिटी मिली हुई है, बहुत सारी इंप्योरिटी मिला हुआ है, ये डीसी परफेक्ट डीसी नहीं है, तो इस डीसी को अपन डीसी में बदलते हैं यूजिंग फिल्टर्स, कैपेसिटर फिल्टर, इंडक्टर फिल्टर, जो अपन आगे पढ़ेंगे इंजीनियरिंग में। फिलहाल आपको जानना है कि ये मोर और लेस एक डीसी की तरह ही है, तो रेक्टिफायर ने क्या किया, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को एक डीसी वोल्टेज में बदल दिया, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म की बात करते हैं। अब जैसे मैंने एसी को डीसी में बदला तो इसमें बहुत सारे टर्म्स की बात करता है, उसने आरएमएस की बात करता है, एवरेज की बात करता है, फॉर्म फैक्टर की बात करता है, रिपल फैक्टर की बात करता है, उसके अलावा पावर परसेंटेज पावर, और ये बहुत सारी चीज़ें जो अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन एसी की बात करते हैं। नॉर्मली अपने को पता है कि एसी का फुल साइकिल में जो एवरेज होता है, पूरे साइकिल में जो एसी का एवरेज होता है, मान लो इसकी बात करें तो पूरे साइकिल में इसका एवरेज कितना होगा, ऑब्वियसली बात है जीरो होता है। हाफ साइकिल में एवरेज कितना होता है, किसी भी फंक्शन का जो एवरेज वैल्यू होता है, चाहे वो कोई भी फंक्शन हो, एसी में अल्टरनेटिंग करंट में मैंने ये चीज़ें बताई है, अल्टरनेटिंग करंट में मैंने ये सारी चीज़ें बताई है कि कैसे अपन एवरेज कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला ये है मेरा टी बाई टू और ये मेरा कैपिटल टी, इसका टाइम पीरियड तो यही है, इसका टाइम पीरियड तो यही है, यानी कि इसका जो टाइम पीरियड है वही टाइम पीरियड इसका भी, दोनों का रिपल फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं रिपल फ्रीक्वेंसी, दोनों की रिपल फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा, इसकी भी ओमेगा और इसकी भी क्या है, ओमेगा है। यानी कि मेरा, मैं आउटपुट की बात करूँ तो मेरा आउटपुट वोल्टेज जो है, जो आउटपुट वोल्टेज है वो जीरो से लेकर टी बाई टू तक, जीरो से लेकर टी बाई टू तक वो इनपुट के बराबर है, किसके बराबर है, इनपुट के बराबर है, कितना इनपुट, तो वी आउटपुट इज इक्वल्स टू टाइम में बात कर रहा हूँ, टाइम जो है जीरो से लेकर टी बाई टू तक V इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, यानी कि जो मेरा इनपुट है वही आउटपुट भी है, लेकिन टी बाई टू से लेकर कैपिटल टी तक V नॉट की वैल्यू कितनी है, जीरो है। अब मुझे बोला कि इस फंक्शन का एवरेज निकालो, चाहे दुनिया में कोई भी फंक्शन हो उसकी जब एवरेज वैल्यू की बात आती है, जब भी उसकी एवरेज वैल्यू की बात आती है, अपन क्या करते हैं, अपन करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से टी एफ टी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी जीरो से लेके कैपिटल टी। ये प्रॉपर तरीका होता है किसी फंक्शन का एवरेज वैल्यू का। अब मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ कि जो एफ टी है वो जीरो से टी बाई टू तक ही है, तो इसका इंटीग्रेशन का लिमिट क्या आ गया, जीरो से लेके टी बाई टू तक, और फंक्शन क्या है, फंक्शन है वी एम साइन ओमेगा टी, नीचे में आ गया डी टी, ये क्या आ गया, नीचे में आ गया टी, दैट इज इक्वल्स टू वी एम, तो बाहर आ गया साइन ओमेगा टी का एवरेज क्या होगा, ये होगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, क्या जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा इंटू टी, ठीक है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर कैपिटल टी बाई टू। अब देखा जाए तो कैपिटल टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल टी होता है टू पाई बाई ओमेगा, तो यहाँ पर अपन डालेंगे, जब तुम यहाँ डालोगे देखो क्या क्या आ रही है वैल्यू, माइनस वी एम बाई ओमेगा टी, माइनस वी एम बाई ओमेगा टी। अब देखो कॉस ऑफ टी बाई टू, कॉस ओमेगा ऑफ टी बाई टू माइनस कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉस जीरो की वैल्यू होती है वन, ओमेगा टू पाई बाई कैपिटल टी, टी और टी कट गया, यहां पे क्या आ गया, यहां पे आ गया पाई की वैल्यू आ गई, दिख रहा है तुम्हें, ये आ गया ओमेगा टी बाई टू। तो तुम गौर से देखो यहां ओमेगा टी बाई टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर तुम यहां देखो तो ओमेगा टी बाई टू की वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा की वैल्यू होती है, ओमेगा होता है टू पाई बाई कैपिटल टी, ठीक है, इंटू टी बाई टू, इंटू टी बाई टू, यहां से 2 से 2 गया, T से T गया, तो देखा गया कि यहां जो अंदर में टर्म बचा वो बचा पाई,
और cos pi की वैल्यू होती है माइनस वन, तो माइनस वन माइनस वन मिलके हो गया माइनस टू, माइनस टू और बाहर में लिखा हुआ है माइनस, तो ये क्या बन गया, ये ऐसा बन गया कि अपना क्या आ गया, एवरेज इज इक्वल्स टू एवरेज, आउटपुट की एवरेज की बात कर रहे हैं, एवरेज इज इक्वल्स टू माइनस टू बाहर आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, टू वी एम अपॉन ओमेगा, ओमेगा कितना, टू पाई बाई कैपिटल टी इंटू टी, ये टी से टी कट गया, ये टू से टू कट गया, दैट इज इक्वल्स टू वी एम अपॉन पाई, यानी कि अपने को क्या याद रखना है, अपने को ये याद रखना है किसी भी आउटपुट हाफ वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट वोल्टेज आता है उसकी एवरेज वैल्यू वी एम अपॉन पाई के बराबर होती है, कितनी होती है, वी एम अपॉन पाई की बराबर होती है उसकी एवरेज वैल्यू। अच्छा, इंटीग्रेशन का लिमिट हमने कहां से कहां तक दिया, देखो यहां से जीरो से टी दिया, मतलब पूरे साइकिल के लिए अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं, आ रही बात में, वैसे तो और मैं पूछूं कि इस साइन वाले की एवरेज वैल्यू कितनी होती है, तो पूरे साइकिल में इसका जो एवरेज होता है फॉर फुल साइकिल, फुल साइकिल के लिए इनपुट वाले का जो एवरेज होता है वो होता है जीरो, क्योंकि ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया बराबर होगा, और हाफ साइकिल के लिए जो एवरेज होता है वो होता है टू वी एम बाई पाई। अब ये टू वी एम बाई पाई कहां से आया, ये जानने के लिए तुम चले जाओ एसी में और फिर वहां पर देखो कि ये टू वी एम बाई पाई कैसे आया। खैर यहां पर तो अपने को तो आउटपुट की बात करनी, तो आउटपुट से अपन एवरेज वैल्यू निकाली, एवरेज कितना आ गया वी एम अपॉन पाई। अब एवरेज के अलावा एक चीज और बचता है जिसको बोलते हैं अपन आरएमएस वैल्यू, आउटपुट की आरएमएस की बात करते हैं, तो आरएमएस पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी आरएमएस, किसी भी चीज का आरएमएस निकालने के लिए पहले फंक्शन का स्क्वायर करते हैं। अब देखो जीरो से टी बाई टू में फंक्शन कितना है, वीएम साइन ओमेगा टी, अब वीएम साइन ओमेगा टी का हम क्या करेंगे, तो वीएम साइन ओमेगा टी का हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन कहां से कहां करेंगे, जीरो से टी बाई टू। तो आरएमएस की बात की जाए तो वी आरएमएस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, पहले रूट लगा देना है, पहले एवरेज निकालो फिर रूट लगा दो, एवरेज किसका, वही जीरो से टी बाई टू तक, किस फंक्शन का, वीएम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डीटी का एवरेज, यहां डीटी लिखना होगा, डीटी का एवरेज कहां से कहां तक, जीरो से कैपिटल टी तक इनटू, ये तरीका होता है आरएमएस निकालने का। अब जैसे तुम वी आरएमएस की बात करोगे, देखना जरा गौर से, नीचे में क्या आ गया, नीचे में तो आ गया मेरा टी, ठीक है, ऊपर वाले फंक्शन का स्क्वायर का एवरेज, अब देखो वीएम स्क्वायर तो बाहर में निकल के आ गया, बाहर में क्या आ गया, बाहर में आ गया वीएम, वीएम बाहर आ गया, अंदर में क्या आ गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू जीरो से कैपिटल टी तक अपने को करना है इंटीग्रेट, तो मैंने बोला कॉस टू ओमेगा टी का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बोला कॉस टू ओमेगा टी बराबर टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस वन, या वन माइनस टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये होता है कॉस टू ओमेगा टी का वैल्यू। अब ऐसे तुम्हें याद होना चाहिए, ऐसे तुम्हें याद होना चाहिए कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू जो होता है वो होता है वन बाई टू, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू होता है जीरो से कैपिटल, जीरो से टी बाई टू में या जीरो से टी में कहीं भी बात करो एवरेज वैल्यू होता है वन बाई टू। वैसे तुम चाहो तो यहां से निकाल भी सकते हो, इसको इधर लेके आओ तो कितना आ गया, ये तुम्हारा कुछ ऐसा आ रहा है कि वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी डिवाइडेड बाई टू, यह आ गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, इसका हमें करना है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन एक तो आ गया वन बाई टू, वन बाई टू डी टी का इंटीग्रेशन आ गया वन बाई टू इंटू टी, तो एक मेरा एवरेज क्या आ गया, मेरा एवरेज आ गया टी बाई टू इंटू टू, क्योंकि 1 बाई टू डी टी, 1 बाई टू डी टी का इंटीग्रेशन 0 से टी बाई टू में, तो 1 बाई टू डी टी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 1 बाई टू इंटू टी बाई टू, यानी कि 1 बाई टू इंटू टी बाई टू, ये आ गया, माइनस लगाएं कॉस टू ओमेगा टी। अब कॉस टू में टू ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है ये हो जाएगा साइन टू ओमेगा टी अपॉन टू ओमेगा। अब साइन टू ओमेगा टी में अगर तुम पहले जीरो डालते हो तो साइन जीरो की वैल्यू भी जीरो होती है, और अगर तुम टू ओमेगा टी में कैपिटल टी बाई टू डालते हो तो साइन ऑफ, देखना साइन ऑफ टू ओमेगा कैपिटल टी बाई टू ओमेगा इंटू टी, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है टू पाई बाई कैपिटल टी, कट गया ये भी जीरो आ गया, यानी कि कॉस टू ओमेगा टी की एवरेज जीरो से टी बाई टू में भी जीरो हो गई, बचा सिर्फ क्या ये बचा, यहां से टी और टी क्या हो गया कट गया, यहां से टी और टी कट गया, बचा क्या वन बाई फोर, वन बाई फोर को बाहर निकाल लिया तो क्या बच गया, तो आर एम एस वैल्यू आ गई वी एम बाई टू। अगर दिक्कत है तो ए सी में रेफर करो इस चीज को, बहुत सिंपली वहां समझाया है, यानी कि वी आर एम एस मेरा क्या आ गया वन वी एम बाई टू, वी एवरेज क्या आ गया वी एम बाई पाई, वी आर एम एस आ गया, देखो वी आर एम एस आ गया वी एम बाई टू, और वी एवरेज कितना आ गया वी एम बाई पाई। तो ये सारी बातें एवरेज और आर एम एस हमने निकाली आउटपुट की,
इनपुट का एक बात रखना, अच्छा ऐसे पढ़े होगे, इसका आरएमएस कितना होता है, इनपुट का अगर साइन और सोलर फंक्शन है तो आरएमएस कितना होता है, आरएमएस होता है वीएम बाई रूट, ये पढ़े हो ना, आरएमएस होता है, ये इनपुट का है और ये दोनों आउटपुट का, ये दोनों आउटपुट का है। अपन और भी कुछ नई नई टर्म्स डिफाइन करते हैं इसमें। अब देखो जो अब हाफ वेव रेक्टिफायर में अपन कुछ टर्म्स डिफाइन कर रहे हैं, जिस टर्म से वैसे तो सवाल आज तक आया नहीं है बट तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे पहला टर्म अपन डिफाइन करते हैं फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर एफ एफ होता क्या है, फॉर्म फैक्टर होता है वी आर एम एस डिवाइडेड बाई वी एवरेज, ये होता है आउटपुट का फॉर्म फैक्टर। आउटपुट का फॉर्म फैक्टर क्या होता है, वी आर एम एस डिवाइडेड बाई वी एवरेज। वी आर एम एस हमने कितना निकाला था, वी आर एम एस अभी हमने निकाला है वो आया है वी एम बाई टू, और वी एवरेज कितना है वी एम अपॉन पाई, दैट इज इक्वल टू वी एम अपॉन पाई, यानी कि ये कितना आ गया पाई अपॉन टू, दैट इज माई फॉर्म फैक्टर। इसकी वैल्यू तुम कैलकुलेट करो कितना देगा 1.57 के अप्रॉक्स आ जाएगा। ये पहला टर्म हमने डिफाइन किया फॉर्म फैक्टर। जैसे मैं तुम्हें बोल दूं कि अगर मान लो मेरा ऐसा कुछ फंक्शन होता, ये एसी होता, बताओ इसका फॉर्म फैक्टर क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है अगर इसके फॉर्म फैक्टर की बात करें तो इसका जो एवरेज और आरएमएस दोनों क्या होगा, सेम होगा। कांस्टेंट फंक्शन का, कांस्टेंट फंक्शन का एवरेज और आरएमएस दोनों सेम होता है, यानी कि इस वाले ग्राफ के लिए फॉर्म फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये अपने को बताता है कि कितना रेशियो अपना एवरेज और आरएमएस का कितना रेशियो है, ये अपने को फॉर्म फैक्टर ऐसा कुछ जानना नहीं है। इसके बाद फॉर्म फैक्टर के बाद एक टर्म अपन डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं रिपल फैक्टर। क्या बोलते हैं, रिपल फैक्टर, रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर क्या होता है समझाता हूं, रिपल फैक्टर होता है अंडर रूट ऑफ फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर माइनस 1। रिपल फैक्टर आपको बताता है परसेंटेज ऑफ एसी कंपोनेंट इन द डीसी। रिपल फैक्टर क्या बनाता है, जब फिल्टर हमारी सर्किट हो गई है, जब हमारा सर्किट फिल्टर हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है फ्लक्चुएटिंग डीसी है। हाफ वेव रेक्टिफायर से जो हम लोग आउटपुट वोल्टेज निकाले वो आउटपुट वोल्टेज परफेक्ट डीसी नहीं है, दैट इज फ्लक्चुएटिंग डीसी। तो उस फ्लक्चुएटिंग डीसी में कुछ एसी का भी कंपोनेंट रह जाता है, उस फ्लक्चुएटिंग डीसी में कुछ एसी का भी कंपोनेंट है, तो रिपल फैक्टर अपने को बताता है परसेंटेज ऑफ एसी कंपोनेंट इन डीसी वोल्टेज, परसेंटेज ऑफ एसी कंपोनेंट इन डीसी वोल्टेज। वो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर माइनस 1। ये क्या होता है, ये बातें तुम्हें बस याद रखनी है और कोई काम का नहीं है। अंडर रूट ऑफ फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर यानी कि 1.57 का स्क्वायर माइनस 1, जब ये तुम निकालोगे तो ये 1.21 आएगा। ये कितना आएगा, ये आएगा 1.21, यानी कि रिपल फैक्टर जो है वो है मेरा 1.21 परसेंटेज। रिपल फैक्टर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 121%, इतना परसेंट 121% हो गया। तो अपने को हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए ये छोटी छोटी बातें याद होनी चाहिए, फॉर्म फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, रिपल फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है। क्यों याद रखनी चाहिए, याद इसलिए रखनी चाहिए क्योंकि सवाल का भरोसा नहीं है, कि सवाल इस पे पूछ सकता है, वो डायरेक्टली एक लाइन का सवाल पूछ देगा व्हाट इज द फॉर्म फैक्टर फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, व्हाट इज द रिपल फैक्टर फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये तो अपना समझ में आ गया। और रिपल फ्रीक्वेंसी जो आया था, ओमेगा जो था, वो इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए क्या था, सेम था। दोनों के लिए रिपल फ्रीक्वेंसी इनपुट और आउटपुट के लिए क्या था, सेम था। दूसरी बात क्या है, जैसे मैं क्या बोल रहा हूं, सपोज करो मैंने बोला यार ये मेरा एसी था, सपोज करो ये मेरा एसी था और मैंने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया और मैंने यहां पर आउटपुट वोल्टेज ले लिया वी ऑन। अगर मैं डायोड के रेजिस्टेंस को भी कंसीडर करूं आरडी और यहां लोड के रेजिस्टेंस आरएल को कंसीडर करूं तो सिचुएशन थोड़ी बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी, अब जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है हाफ साइकिल में, हाफ साइकिल में बात करें, पहले हाफ साइकिल में जो करंट फ्लो कर रहा है आई, दैट आई इज इक्वल्स टू वी इनपुट वी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, कुछ फेज डिफरेंस ही मान लेते हैं, अपॉन ये दोनों सीरीज में यानी कि आरडी प्लस आरएल, एंड वोल्टेज अक्रॉस आरएल, वोल्टेज अक्रॉस जो लोड है दैट इज इक्वल्स टू आई इंटू आरएल, करंट इंटू आरएल दैट इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव डिवाइडेड बाय आरडी प्लस आरएल। यही बात सुनिए, ये करंट इंटू आरएल अगर हम ऐसे कर दिए यही मेरा क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा लोड के अक्रॉस वोल्टेज। ये एक्चुअल केस हुआ, ये जो मैंने बताया सिनेरियो, ये तुम्हें एक्चुअल सिनेरियो बताया। अगर मैं डायोड के रेजिस्टेंस को कंसीडर करता हूं, अगर डायोड का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाए तो इस टर्म को नेग्लेक्ट कर दो, ये जैसे नेग्लेक्ट किया ये और ये कट गया, तो वी अक्रॉस लोड इज इक्वल टू वी इनपुट, आउटपुट की वैल्यू इनपुट के बराबर हो जाएगी। तो ये एक्चुअल कंडीशन हुई। अगर मान लो कि अगर अपने को डायोड का रेजिस्टेंस कंसीडर करना होगा तो आउटपुट वोल्टेज कुछ ये होगा, अगर मैं आरडी को नेग्लेक्ट ना करके चलूँ तो ये होगा मेरा आउटपुट वोल्टेज। तो ऑब्वियस बात है कॉमन सेंस में कुछ बताने की नई बात नहीं है, अपन ने बिल्कुल अपना नॉर्मल सर्किट एनालिसिस किया है और कुछ भी नहीं किया है। जो सारी बातें हमने की थी, ये की थी किसके लिए, ये सारी बातें थी हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। अब अपन बात करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर, किसी बात करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है कि हमारा जो भी
इनपुट होता है वो फुल्ली आउटपुट में जो है डीसी में कन्वर्ट होता है। कैसे समझना, फुल वेव रेक्टिफायर में भी दो तरह का होता है, फुल वेव रेक्टिफायर भी दो तरह का होता है। क्या क्या होता है, पहला तो होता है सेंटर टैप रेक्टिफायर और एक होता है ब्रिज रेक्टिफायर। सबसे पहले अपन बात करेंगे सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, किसी बात करेंगे सेंटर टैप, ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर। अब नाम से ही है फुल वेव रेक्टिफायर, मान लो ये मेरा एसी सप्लाई है, सपोज करो ये मेरा एसी सप्लाई है और मैंने बोला इस एसी सप्लाई में मान लो हमने कुछ ऐसा दिया कि यहां एक डायोड लगा दिया और एक डायोड यहां लगा दिया ऐसे, और बीच में सेंटर टैप करकर हमने कुछ ऐसे जोड़ दिया, सपोज करो ऐसा कुछ दिया, और ये है मेरा आर अक्रॉस लोड और ये है जो मुझे आउटपुट वोल्टेज देगा, ये पार्ट है मुझे आउटपुट वोल्टेज देगा। अब मैंने बोला क्या होगा यहां पर, सिचुएशन ऐसी होती है कि पहले साइकिल में क्या हुआ, मान लो फर्स्ट साइकिल में तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव फिर ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ऐसे सीक्वेंस चलता है, एक सर्किट पॉजिटिव निगेटिव यही ट्रांसफार्मर का काम होता है, आधे पार्ट को पॉजिटिव निगेटिव वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, तो यहाँ पीछे पॉजिटिव है आगे निगेटिव है, मतलब ये कैसा होगा, ये फॉरवर्ड बायस होगा। जैसे ये फॉरवर्ड बायस होगा और यहाँ देखो यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ये कैसा हो गया, ये रिवर्स बायस हो गया, तो तुरंत में इन हाफ साइकिल यानी कि टी जीरो से लेके टी बाई टू तक में कैसा बिहेव करेगा सर्किट, सर्किट कुछ ऐसा बिहेव करेगा। देखना ये अपना ये हो गया, ये अपना हो गया शॉर्ट, ये हो गया लोड, करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, यानी कि ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया आउटपुट, ये मेरा क्या हो गया आउटपुट, और यहां पे हम क्या दे रहे हैं, यहां पे हम दे रहे हैं इनपुट, यानी कि हाफ साइकिल के लिए V इनपुट मेरा V आउटपुट के बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तुमने बोला वही Vm साइन ओमेगा T, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये, और बाकी का जो आधा सर्किट था वो कैसा होगा, आधा सर्किट बाकी का खुला तार की तरह, ये खुले तार की तरह बिहेव करेगा। अब मैंने बोला कि यार इन टाइम टी बाई टू से लेके टी में क्या होगा, अब टी बाई टू से लेकर टी में क्या होगा, सोचो ऊपर हो गया ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, अब ये निगेटिव हो गया तो ये कैसा हो गया, ये हो गया खुला तार ओपन सर्किट, यानी कि ये तो मेरा हो गया ओपन सर्किट, ये आरएल हो गया, ये मेजर करना है अपने को, अपन क्या बोल रहे हैं कुछ ऐसा पिक्चर चल रहा है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं देखना इस चीज को, ये निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव है मतलब करंट कैसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा, यानी कि ये प्लस और ये क्या है ये माइनस है, ये प्लस और ये माइनस है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब तुम देखो तो क्या पोलैरिटी चेंज हुई, पोलैरिटी चेंज नहीं हुई, पिछले केस में भी यही प्लस माइनस था, अब केस में भी यही प्लस और माइनस है, करंट उतना ही फ्लो कर रहा है जितना पहले फ्लो कर रहा था, पहले ऊपर का सर्किट काम में आ रहा था अब नीचे का सर्किट काम में आ रहा है, बट फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि अब ये शॉर्ट हो गया है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है उस टाइम करंट ऐसे फ्लो कर रहा था। यानी कि देखा जाए तो अगर मैं बोलूं कि इनपुट और आउटपुट की बात करें तो मान लो ये मेरा इनपुट वोल्टेज था कुछ ऐसा साइनोसॉइडल, ऐसा इनपुट वोल्टेज था, आउटपुट वोल्टेज क्या हुआ है, तो आउटपुट वोल्टेज की अगर तुम बात करो, तुम अगर आउटपुट वोल्टेज की बात करो तो जो पॉजिटिव पार्ट था वो तो पॉजिटिव ही है, लेकिन जो पार्ट निगेटिव था वो भी अब पॉजिटिव निगेटिव, यानी कि वो भी सेम सेंस में घूम गया, इसीलिए जो निगेटिव पार्ट है वो भी ऊपर चला गया, इसीलिए इसका नाम है फुल वेव रेक्टिफायर। इसका नाम हमने क्या रखा, इसका नाम हमने रखा फुल वेव रेक्टिफायर, यानी कि फुल्ली ये ट्रांसलेट कर दिया एसी को डीसी में, अभी भी ये फ्लक्चुएटिंग डीसी है बट पिछले वाले से बेटर, पिछले वाले में ये पार्ट जीरो था, वो निगेटिव पार्ट को पॉजिटिव नहीं कर पा रहा था, बट फुल वेव रेक्टिफायर ने निगेटिव पार्ट को भी क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया, इसी को बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। अब पहली बात तो देखो, एक चीज देखो, इसका टाइम पीरियड क्या है, इसका पीरियड है ओमेगा, इसका पीरियड बताओ, इसका पीरियड हो गया है 2 ओमेगा, क्योंकि टाइम पीरियड इसका आधा हो गया है, और टाइम पीरियड आधा हो गया है, मतलब ओमेगा क्या हो चुका है, ओमेगा डबल हो चुका है, यानी कि रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट इज डबल ऑफ द रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट। पिछले वाले केस में दोनों इनपुट आउटपुट की रिपल फ्रीक्वेंसी सेम थी, बट इस वाले केस में अपन क्या बोलेंगे, रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट इज डबल द रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अपन फिर से वही आरएमएस एवरेज निकालते हैं। अब मुझे ऐसे पता ही, ये कोई खास बात नहीं है, हमने पहले ही पता किया है, ये हाफ पार्ट की जो एवरेज वैल्यू होगी, जो हाफ पार्ट की एवरेज, याद है एसी में आधे पार्ट का एवरेज क्या होता था, 2Vm अपॉन पाई, यानी कि एवरेज वैल्यू जो होगी आउटपुट की, जो एवरेज वैल्यू होगी वो होगी 2Vm अपॉन
पाई, 2Vm अपॉन पाई, और आधे पार्ट का RMS लो या पूरे पार्ट का RMS लो कोई फर्क नहीं पड़ता, आधे पार्ट का RMS लो या पूरे पार्ट का, क्योंकि तुम जब पूरे पार्ट का RMS ले रहे हो तो RMS के लिए तुम स्क्वायर कर रहे हो फंक्शन का, और अगर तुम फंक्शन का स्क्वायर कर रहे हो तो ये पार्ट खुद ब खुद पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि जब तुम इसके RMS की बात करोगे तो VRMS की बात करोगे, ये V एवरेज हो गया, दैट विल बी इक्वल टू Vm अपॉन रूट टू। तुम चाहे तो करके भी देख लो, फंक्शन लिखो, 0 से T/2 इंटीग्रेट मारो, योर आंसर विल बी Vm बाई रूट टू। यानी कि अब यहां से मैं दो चार बातें डिफाइन कर सकता हूं, व्हाट विल बी फॉर्म फैक्टर, VRMS डिवाइडेड बाई वी एवरेज, यानी कि Vm बाई रूट 2 डिवाइड बाई 2 Vm अपॉन पाई, यहां से Vm कट गया, यानी कि पाई अपॉन 2 रूट 2। ठीक है, इसकी वैल्यू तुम कैलकुलेट कर सकते हो, वैसे मैं कैलकुलेट करके तुम्हें बता दूंगा कितना आता है, ये आ गया 3.14 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.414। ठीक है, या तो ऐसा करो, या तुम ऊपर नीचे रूट 2 का मल्टीप्लाई कर दो, नीचे में क्या आ गया 2, ऊपर में आ गया रूट 2, यानी कि 1.414, यहां से काट पीट करो और फिर यहां से वैल्यू निकाल लो। फॉर्म फैक्टर की वैल्यू मैं तुम्हें बता देता हूँ, ऐसे तो याद करने की चीज है ये, बट फिर भी चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ कितनी आती है। फुल्ली एसी में जो फॉर्म फैक्टर की वैल्यू आती है, जो रिपल फैक्टर की वैल्यू आती है, वो आती है अपनी कितनी आती है, तो ऐसे तो ये तुम्हें याद रखना है, वैसे तो कोई काम का ऐसा कुछ है नहीं। फॉर्म फैक्टर की वैल्यू आती है 1.11, फॉर्म फैक्टर की वैल्यू कितनी आती है, फॉर्म फैक्टर की वैल्यू आती है 1.11। सिमिलरली अगर अपना रिपल फैक्टर की बात करें, यानी कि अंडर रूट ऑफ फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर माइनस वन, फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर माइनस वन, तो इसकी वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है, वो आती है तुम्हारा 4.81 आती है, यानी कि परसेंटेज रिपल फैक्टर जो आता है वो आता है 48%। कितना आता है, परसेंटेज रिपल फैक्टर आ जाता है 48%, आ रही बात सुन में, तो परसेंटेज रिपल फैक्टर में आता है 48%, और फॉर्म फैक्टर क्या आता है 1.41, ये आ गया बात सुन में। तो अपना रिपल फैक्टर भी हो गया, अपना फोर्म फैक्टर भी हो गया, और कुछ बातों का और अपने को ध्यान रखना है, कुछ बातों का और ध्यान रखना है, ये तुम्हें डाटा याद रखना है, बाकी कोई काम का नहीं है, कभी पूछा नहीं है बट पूछ सकते हैं। तो जो अब इसके बाद अपना एक टर्म बचता है जिसको बोलते हैं पावर, पावर की बात कर लेते हैं, इफिशियंसी की बात कर लेते हैं, हाफ साइकिल में इफिशियंसी और फुल साइकिल में इफिशियंसी, अपन ने इसकी बात नहीं की। अब जैसे पावर की बात होती है, जब भी अपन बोलते हैं कि मेरा एसी सप्लाई हो रहा है, तो एसी सप्लाई में अपन पावर क्या बोलते थे, याद है, वीआरएमएस आईआरएमएस कॉस फाई, यानी कि एसी के लिए अपना पावर जो होता है वो आरएमएस वोल्टेज या आरएमएस करंट से बताया जाता है, और डीसी के लिए जो पावर होता है वो एवरेज से बताया जाता है। यानी कि जब भी अपन पावर की बात करें, जैसे अपन बोल रहे हैं कि हाफ साइकिल में पावर की बात करें, तो पावर परसेंटेज इफिशियंसी हाफ साइकिल की जो होती है वो क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट मेरा क्या है, आउटपुट मेरा डीसी है, इनपुट क्या है, इनपुट एसी है, यानी कि देखा जाए तो पी इनपुट अपॉन पी आउटपुट इनटू 100। इनपुट मेरा क्या है, जो इनपुट है मेरा ऑब्वियसली बात है, सॉरी पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट इनटू 100। आउटपुट मेरा क्या, आउटपुट डीसी है, इनपुट क्या, इनपुट एसी है, यानी कि आई एवरेज का स्क्वायर इंटू आर बाई आई आरएमएस का स्क्वायर इंटू आर। इनपुट में हमने एसी का लिया है, आउटपुट में हमने एवरेज का लिया इंटू 100, और आई आरएमएस या वी आरएमएस भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे वी आरएमएस भी कर सकते हो, वी आरएमएस अपॉन आर, आर तो ऐसे भी कटना ही है, लेकिन आई आरएमएस या आई आरएमएस अपॉन आई एवरेज या वी आरएमएस अपॉन वी एवरेज क्या होता है, वी आरएमएस अपॉन वी एवरेज होता है फॉर्म फैक्टर, अभी हमने पढ़ा, वी आरएमएस अपॉन वी एवरेज होता है फॉर्म फैक्टर, यानी देखा जाए तो परसेंटेज इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर इंटू 100। जब हाफ साइकिल तुम कैलकुलेट करोगे तो आएगा 40% के लमसम। सिमिलरली फुल साइकिल की अगर बात करोगे, जो फुल साइकिल के परसेंटेज इफिशियंसी आता है वो आता है 1.11 का स्क्वायर टू 100, ये जब तुम कैलकुलेट करोगे तो ये 80% के लमसम आता है। यानी कि देखा जाए तो पावर आउटपुट और इनपुट का एवरेज अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अपन बात करेंगे ब्रिज वेव रेक्टिफायर की। देखो जो अब हम बात करेंगे ब्रिज रेक्टिफायर की, ऐसा होता है ब्रिज रेक्टिफायर क्या कैसे काम करता है मैं समझाता हूँ। मान लो पहले हाफ साइकिल की बात करें, पहले हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव ये निगेटिव, अब देखना ये पॉजिटिव ये निगेटिव ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ठीक है ये निगेटिव आ गया। अब तुम एक बात सोचो, कौन कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस है, कौन कौन सा रिवर्स बायस है, इसके आगे पॉजिटिव रिवर्स बायस, इसके पीछे पॉजिटिव आगे निगेटिव, यानी कि फॉरवर्ड बायस पीछे पॉजिटिव आगे निगेटिव, फॉरवर्ड बायस पीछे निगेटिव आगे पॉजिटिव रिवर्स बायस, यानी कि देखा जाए तो ये कैसा बिहेव करेगा, ये कुछ ऐसा बिहेव करेगा, ऐसा बिहेव करेगा कि ये ऐसे हो गया, ये क्या हो गया, ये ऐसा हो गया और ये ऐसा हो गया, ये कुछ ऐसा बिहेव कर रहा है, यहाँ पर करंट ऐसे करके पास होके ऐसे चली जा रही है, क्योंकि करंट इधर जा नहीं पाएगी क्योंकि ये हो चुका है ओपन सर्किट, तो करंट अपना पाथ ऐसे चुनेगी, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, हमने लोड के क्रॉस मेजर कर लिया वोल्टेज।
सेकेंड पार्ट में क्या होगा, सेकेंड पार्ट में तुम देखो क्या होगा, सेकेंड पार्ट में यही जो पॉजिटिव हुआ था, यही जो पॉजिटिव हुआ था वो कैसा हो जाएगा, वो निगेटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव। अब देखो ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, कुछ ऐसा बना। अब तुम देखो कौन कौन सा फॉरवर्ड बायस हो गया, पॉजिटिव निगेटिव फॉरवर्ड बायस, पॉजिटिव निगेटिव फॉरवर्ड बायस, निगेटिव पॉजिटिव रिवर्स बायस, निगेटिव पॉजिटिव रिवर्स बायस। यानी कि अब जो मेरा पिक्चर बना तो ये दोनों काम करना बंद कर दिया। अब पिक्चर कैसा बना, ये काम कर रहा है ऐसे और ये काम कर रहा है, ये दोनों काम करना बंद कर दिया और यहां से मुझे मिल गया सप्लाई। आई बात समझ में? तो अब करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे करके ऐसे। तो अभी भी ये पॉजिटिव ये निगेटिव, यानी कि इसका भी सेम वही होगा, बस शेप साइज में अलग है। इसमें भी सेम वही सेम होगा, नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, बाकी सब कुछ सेम। तो ये जितनी भी बातें ये ब्रिज रेक्टिफायर के ऊपर, ये सब छोटी मोटी बातें तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, कैसे वो काम करता है रेक्टिफायर, कैसे काम करता है, हमारे सिलेबस में है बट बहुत ज़्यादा हद तक नहीं है। जो फॉर्म फैक्टर रिपल फैक्टर वो कम इंपॉर्टेंस है, बट तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।